जौनपुर में टाला छठ की तैयारी शुरू। आज लौकी भात खाकर महिलाएं करेंगी छठ पर्व का शुभारंभ। गुरुवार से ही पूजा पाठ की सामग्री जुटाने में लगे रहे लोग। नहाय खाय से शुरू हो गया छठ का महापर्व। 30 अक्टूबर को डूबते व 31 अक्टूबर को उगते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। जौनपुर में जोरों से बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप। नगरपालिका प्रशासन की तरफ से गुरुवार की देर शाम शहर में करवाई गई फॉगिंग। चारसू, ओल्डगंज, जेसी चौराहा, रोडवेज, टीडी कॉलेज, जोगियापुर, कचहरी इलाकों में हुई फॉगिंग। इस समय जौनपुर में डेंगू के अधिक मात्रा में मिल रहे मरीज। जौनपुर शहर में देर रात तक हुआ माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश व माँ सरस्वती की प्रतिमाओं का विसर्जन। श्री लक्ष्मी पूजा महासमिति के नेतृत्व में समस्त पूजन समितियों की प्रतिमाएं नखास स्थित शक्ति कुंड में की गई विसर्जित। इसके पहले अहियापुर मोड़ पर एकत्रित प्रतिमाओं का पूजन कर शोभा यात्रा को किया गया रवाना। विसर्जन घाट के बगल में बने शक्ति कुंड पर पहुंची प्रतिमाओं का एक एक करके किया गया विसर्जन। रेलवे पटरी पर खड़े होकर यात्रियों ने किया हंगामा। जंघई जौनपुर रेलमार्ग पर स्थित जरौना रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को समाजसेवी जस सिंह अन्ना के नेतृत्व में दर्जन भर से अधिक यात्रियों ने रेल पटरी पर खड़े होकर किया हंगामा। मांग है कि जौनपुर से प्रयागराज तक संचालित होने वाली एजे पैसेंजर ट्रेन की समय सारणी में बदलाव किया जाए तथा सुहेलदेव एक्सप्रेस का मणियाहो रेलवे स्टेशन पर ठहराव सुनिश्चित हो। किसान मजदूरों की समस्याओं को लेकर पंचायत भाकियू के प्रदेश सचिव राजनाथ यादव के नेतृत्व में गुरुवार को 11 बजे गरीब मजदूर किसान की समस्याओं और जंघई स्टेशन पर होने वाली समस्याओं को लेकर पूर्वी रेलवे फाटक के पास एक पंचायत हुई। 3 घंटे पंचायत कर प्रधानमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय मांग पत्र तहसीलदार मछली शहर को सौंपा गया। साड़ी नहीं दिलाने पर पति से मारपीट। जफराबाद क्षेत्र के कजगांव बाजार में गुरुवार को एक महिला साड़ी व बच्चों को कपड़ा नहीं दिलाने पर पति से मारपीट कर ली। संयोग से मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। दुकान में ही एक दूसरे से भिड़ गए थे दोनों। पहले गाली गलौज फिर होने लगी मारपीट। ट्रैक्टर के धक्के से बाइक सवार शिक्षक की मौत। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के चौकिया धाम स्थित फायर ब्रिगेड कार्यालय के पास सागंज हाईवे पर हुई घटना। अनियंत्रित ट्रैक्टर भी पानी भरे नाले में पलटा। घायल चालक मौके से फरार। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना से परिवार व शिक्षकों में शोक की लहर। मछली शहर में तैनात सप्लाई इंस्पेक्टर की इलाज के दौरान मौत। डेंगू की संभावना। परिवार व साथ में काम करने वाले लोगों की माने तो डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसी की दवा चल रही थी। मौत से परिवार में कोहराम मच गया। विभाग के लोगों ने जताया शोक। वहीं मड़ियाहू में कक्षा 12 का एक छात्र भी डेंगू की चपेट में आ गया। बदलापुर में अभी भी मरीजों के मिलने का क्रम जारी। इलेक्ट्रिक एसी बसों को थाना गद्दी तक चलाने की मांग। केराकत के नागरिकों ने पड़ोसी जिले वाराणसी के कैंट से सिंधौरा बाजार तक चलाने वाली एसी बसों को थाना गद्दी बाजार तक चलाने की मांग की है। नागरिकों ने इसके लिए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह तथा वाराणसी के DRM को पत्र भेजा है। लंपी के दस्तक से पशुपालकों की चिंता बढ़ी। धोबी के सबसे बड़ी बाजार चंदवक के कोठिया गांव में कई गांव में लंपी रोग के लक्षण दिखाई दिए, जिससे क्षेत्र के अन्य पशुपालकों की चिंता बढ़ गई है। हजारों का इलाज कराने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं आना बना चिंता का विषय।